लटेरी के ग्राम आनंदपुर में खुले आसमान के नीचे टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन यापन करने वाले असहाय को आज अपना आशियाना मिल ही गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिन्नाम सिंह की, जिनका विगत दिनों सोशल मीडिया पर एक देशभक्ति गीत खूब वायरल हुआ था, जिसे सैकड़ों लोगों ने शेयर किया है। ज्ञात हो कि लॉकडाउन के समय राशन वितरण के दौरान वरिष्ठ समाज सेवी राजेश पटेल की मुलाकात सिन्नाम सिंह से हुई थी, पर इसके बाद पटेल ने अपने फेसबुक अकाउंट से वीडियो वायरल करते हुए संगीत की इस प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाने की अपील की थी। 27 मई को पटेल ने फेसबुक अकाउंट पर सिन्नाम सिंह की टूटी फूटी झोपड़ी का फोटो अपलोड करते हुए बारिश के समय होने वाली परेशानी का उल्लेख किया और उन्हें असहाय को आशियाना दिलाने की मांग की। सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर औपचारिकता पूरी की, लेकिन 28 मई को सामाजिक संस्थाओं ने मदद का हाथ बढ़ाया। मादा ग्रुप के संरक्षक राहुल त्यागी ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। माधव ग्रुप ने आज नेत्रहीन असहाय सिन्नाम सिंह को अस्थायी नवीन कुटीर में गृह प्रवेश कराकर मानवता का परिचय दिया। इस दौरान माधव ग्रुप के अध्यक्ष तोषमणि पंथी बंटी राठौर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आनंदपुर निवासी असहाय नेत्रहीन श्री सिन्नाम सिंह जी को नया आशियाना मिलते ही बहुत सारे लोगों के बधाई संदेश कल से आज तक मेरे पास आ रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं केवल माध्यम हूँ। आज से कुछ दिन पूर्व लॉकडाउन के दौरान मैं हमारे बड़े भैया विक्रम जी रघुवंशी के साथ आनंदपुर राशन वितरण करने पहुँचे थे। अचानक श्री सिन्नाम सिंह जी से मुलाकात हुई। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी को देखकर मन में बहुत पीड़ा हुई। उस पीड़ा को मैंने अपने फेसबुक अकाउंट से साझा किया और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से भी मांग की कि बरसात के समय इनका यहाँ रहना कठिन होगा, कुछ व्यवस्था की जाए। पोस्ट को देखकर माधव ग्रुप के संरक्षक आदरणीय भैया राहुल जी त्यागी ने हर संभव मदद करने का प्रयास किया और आज अस्थाई 10x10 का टीन सेट कराकर हम उन्हें दे चुके हैं। ये सब आपकी प्रेरणा है। आदरणीय राहुल भैया, सभी का, पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आनंदपुर में संचालित जन चेतना मंच, जो असहाय गरीब के लिए भोजन उपलब्ध कराता है, मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।